ये एक कमाल की लड़ाई रही है। इस पर अपने आप में एक नेटफ्लिक्स की सीरीज बनाई जा सकती है। ये बात दिल्ली फुटबॉल क्लब के मालिक रंजीत बजाज ने इंडियन एक्सप्रेस से कही थी। जिस प्लेयर की बात रंजीत कर रहे थे उनका सफर देखते हुए ये कहना गलत बिल्कुल नहीं था। चलिए अब आपको डिटेल में बताते हैं मामला क्या है। 2017 में इंडिया में फीफा अंडर 17 वर्ल्ड कप खेला गया। इस टूर्नामेंट ने इंडियन फुटबॉल को उसकी अगली पीढ़ी दी, जिनमें अमरजीत कियम, सुरेश वांगजाम, धीरज सिंह और केपी राहुल जैसे खिलाड़ी शामिल थे। एक और नाम था जिस पर इंडिया की डिफेंस को संभालने का जिम्मा था, ये नाम था अनवर अली का। बाकी सारे प्लेयर्स की तरह ही अली भी उस दौर में इंडियन एरोज के लिए खेलते थे। 2018 में अनवर को मुंबई सिटी FC ने खरीदा। डील पक्की हो गई। फुटबॉल में प्लेयर को खरीदने से पहले एक मेडिकल टेस्ट होता है। मुंबई के डॉक्टर्स ने मेडिकल के बाद बताया कि अनवर को हार्ट की एक कंडीशन है जिसमें दिल का एक हिस्सा फूल जाता है। इस कंडीशन का नाम हाइपरट्रॉपिक कार्डियोमायोपैथी है। इसके बाद एक लंबी लड़ाई चली। AIFF यानी कि ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन ने अनवर को खेलने से बैन कर दिया। यूरोप में डॉक्टर से बातचीत करने के बाद अनवर ने दिल्ली हाईकोर्ट में केस फाइल किया। उन्होंने कहा कि उन्हें खेलने दिया जाए। अनवर ने यह भी बताया कि 6 लोगों के परिवार में सिर्फ वो अकेले कमाने वाले हैं, इसलिए फुटबॉल खेलना उनके लिए बेहद ज़रूरी है। जद्दोजहद जारी रही। आखिरकार 2021 में उन्हें रंजीत के क्लब दिल्ली FC ने फिर खेलने का मौका दिया। अगस्त 2021 में AIFF ने भी इस पर हामी भर दी। कट टू 14 जून 2022 यानी बीता दिन इंडिया के सामने हांगकांग की टीम थी। AFC एशियन कप 2023 के थर्ड राउंड क्वालिफायर्स चल रहे थे। पिछले 2 मैच में इंडिया ने कंबोडिया को 2-0 और अफगानिस्तान को 2-1 से हराया था। ब्लू टाइगर्स 2023 एशियन कप के लिए क्वालिफाई कर चुके थे। हांगकांग इंडिया के बीच मैच जो जीतता वो टेबल टॉप करता। मैच स्टार्ट होते ही इंडिया के लिए उस लड़के ने कमाल कर दिया जिसे 3 साल पहले AIFF ने खेलने से मना कर दिया था। अनवर ने दूसरे ही मिनट में गोल दाग दिया। उनका सेलिब्रेशन देखकर समझ आता है कि ये गोल उनके लिए कितना मायने रखता है। अगस्त 2018 के उस मेडिकल टेस्ट से लेकर हांगकांग के खिलाफ गोल दागने तक का सफर दिखाता है कि इंडियन टीम को एक फाइटर मिल गया है। अब आपको बताते हैं कि इस मैच में क्या हुआ। इंडिया के लिए अनवर के गोल के बाद 45वें मिनट पर कैप्टन सुनील छेत्री ने एक और गोल किया। एक तरफ जहां अनवर ने अपना पहला इंटरनेशनल गोल किया था, छेत्री का ये 84th गोल था। इस गोल के साथ अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल में छेत्री ने हंगरी के लेजेंड फेरेंक पुष्कस की बराबरी कर ली है। दूसरे हाफ में मनवीर सिंह और ईशान पंडिता ने गोल मारकर इंडिया को 4-0 से मैच जिताया। इंडिया ने 3 मैच जीतकर ग्रुप डी को टॉप कर लिया है। अगले साल एशियन कप जून जुलाई के बीच खेला जाएगा। नमस्कार, मेरा नाम है पुनीत, कैमरे के पीछे हैं जतिन, और स्पोर्ट्स से जुड़ी सारी खबरों को देखने के लिए देखते रहिए ललन टॉप स्पोर्ट्स। शुक्रिया।